ये तो असेंबली में भी वो खड़ा कर देते थे। काफी टाइम तक घंटा बजवाया था। ब्लैक बोर्ड पे गाली लिख के जो धीरे थप्पड़ मारेगा उसको मैं मारूंगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है सचिन सिंह राजपूत और एक बार फिर से आपका स्वागत है इस एंटरटेनमेंट के अड्डा पे जिसका नाम है रेडियो अड्डा। और प्रयागराज के लोगों से आज मैं करने वाला हूँ बातचीत उस बारे में जिसके नाम से हमें पहले ही डर लग जाता था बचपन में, यानी कि टीचर्स की, क्योंकि है आज टीचर्स डे। और टीचर्स डे पे आज हम बात करने वाले हैं लोगों से और ये पूछने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से टीचर्स थे जिनके सजा देने की जो स्टाइल थी, यानी कि पनिशमेंट देने का जो तरीका था, वो एकदम यूनिक था, सबसे डिफरेंट था। तो आइए चलते हैं, आपके कोई टीचर ऐसे थे जिनके सजा देने की जो स्टाइल थी एकदम अलग थी? टीचर तो बहुत थे, लेकिन अलग एक थे कंप्यूटर के टीचर। वो क्या करते थे, वो पैर में सजा देते थे। क्या करते थे, दो लोगों को बुलाते थे और कहते थे तुम उसको थप्पड़ मारो और तुम उसको थप्पड़ मारो, और जो धीरे थप्पड़ मारेगा उसको मैं मारूंगा। मतलब जब तक दोनों की गलती ना हो जाए तब तक एक को सजा नहीं मिलती थी? नहीं, तो दो लोगों का फिर इंतजार किया जाता था। ये भाई साहब अच्छा है कि तुम उसको थप्पड़ मारो और वो तुम्हें मारेगा, और जिसको थप्पड़ कम पड़ेगा उसको मैं मारूंगा। कोई ऐसी टीचर रही हो जिनके सजा देने का जो तरीका है वो बहुत ही यूनिक था और वो आज तक आपको याद है? वैसे तो पनिशमेंट में कुछ खास नहीं था। चल झूठा। हाँ, एक बार उन्होंने काफ़ी टाइम तक घंटा बजवाया था, बहुत लंबे समय तक। कहा था तुम्हारी यही सजा, बस बजाती रहो। छुट्टियाँ हो गई थी और हम घंटा बजा ही रहे थे, हाथ थक गए, तब उन्होंने रोका था। हम लोग की तो यही था कि बाहर आप लाइन में वेट करो, और जैसे असेंबली वगैरह होती है तो असेंबली में भी वो खड़ा कर देती थी कि आप धूप छाओ, वो कुछ नहीं देखती थी, खड़े रहो बस। पहले तो ये सोचिए कि धूप छाव में खड़ा कराना भी कोई सजा है? सिर्फ इन लोगों को लगे रही है, हम लड़कों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता था। मुझे मिली तो वो तो काफ़ी हार्ड थी, क्योंकि घंटा बजाते हाथ अलग थक गया, तो छुट्टियाँ हो गई थी, सारे बच्चे चले गए तो मैं ही रह गई थी। कोई ऐसा टीचर आपको याद है कि ये सजा देने की जो स्टाइल थी वो एकदम यूनिक थी? जी सर, हमारे यहाँ एक टीचर थे, संस्कृत पढ़ाते थे, तो वो हम लोगों को जैसे कोई भी अगर रूप देते थे याद करने के लिए संस्कृत में, तो अगर हम लोग नहीं सुना पाते थे तो बच्चों को यहाँ पे नाखून के पास छड़ी से मारते थे। तो बच्चे आने बहुत डरते थे, आने से पहले जिसको रूप नहीं याद होता था वो क्लास छोड़ के भाग जाता था। नाखून पे छड़ी से मारते थे? आपको पड़ी? पड़ी है सर। कैसा लगा? ये क्लास बंक कर देते थे उनकी। मतलब ऐसा मार मारते थे कि क्लास ही बंक करना पड़ जाए। लेकिन जो रूप याद हो जाता था वो आज तक नहीं भूला है। भाई भूलेगा भी कैसे, बातों का सिलसिला जारी है। और पूछते हैं अगले भाई साहब से, नाम क्या आपका? निखिल शुक्ला। ओके शुक्ला जी, बताइए आपके ऐसे कौन से टीचर थे जिनके पनिशमेंट देने के जो स्टाइल था वो एकदम यूनिक था? हमारे एक ज्ञान सर थे, अगर कोई सवाल नहीं बता पाता था या उनको किसी से दुश्मनी होती थी तो वो कोड वर्ड में ब्लैक बोर्ड पे गाली लिख के उसे अपना शिकार बनाया करते थे। भाई साहब नाम था ज्ञान और गा से ज्ञान की जगह गाली लिख देते थे कोड वर्ड में, ऐसे टीचर होते हैं? बिल्कुल। कौन से स्कूल में? भाई साहब नाम बहुत खतरनाक है। तो देखा आपने कि टीचर्स कैसे कैसे होते हैं और किस किस तरीके से सजा देते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन क्या अगर आपके भी कोई ऐसे टीचर्स थे जिनके सजा देने का जो तरीका था वो सबसे डिफरेंट था, तो लिख के भेजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ओके, साइनिंग ऑफ, सचिन सिंह राजपूत ऑन एंटरटेनमेंट का अड्डा, रेडियो अड्डा।